आईपीएल के प्लेऑफ में पहुंच गई हैं केकेआर और आरआर। बाकी की दो टीमों के बीच हैदराबाद, बंगलुरु और चेन्नई में होना है आर पार। लेकिन खास बात यह है कि अब 16 नहीं मात्र 14 अंकों से हो जाएगा बेड़ा पार। जी हां, दिल्ली में दिल्ली कैपिटल्स और लखनऊ सुपर जॉयंट्स के बीच जो मुकाबला होगा, उस मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स ने लखनऊ सुपर जॉयंट्स पर एक बड़ी जीत प्राप्त कर ली और इस जीत के साथ ही दोनों ही टीमों का आईपीएल का अब तक का सफर थम गया है। जी हां, थम गया है। दिल्ली कैपिटल्स ने भले ही एक शानदार जीत हासिल कर ली हो, लेकिन उसका नेट रन रेट कुछ और ही कहानी बयां करता है। फिलहाल तो दिल्ली कैपिटल्स ने भले ही आरसीबी को छठवें नंबर पर धकेल करके खुद को पांचवें नंबर पर पहुंचा दिया हो, लेकिन सत्य तो यह है कि अब वो इससे आगे बिल्कुल भी नहीं जा सकती है। तो कुल मिलाकर के कहानी क्या है, कौन सी टीमें यहां पर पहुंच सकती हैं प्लेऑफ में और कौन सी टीमें अब लगभग क्या 100% हो चुकी हैं बाहर, इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है कि सफलतानामा आपका अपना चैनल है, इसे सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ लाइक और शेयर भी कर दीजिए ताकि आपको क्रिकेट जगत से जुड़ी ऐसी सभी वीडियोज समय से मिलते रहे। तो करते हैं आज की वीडियो का शुभारंभ। तो सबसे पहले तो आपको बड़ी खबर देते हैं कि यहां पर राजस्थान रॉयल जो है वो पहुंच चुकी है प्लेऑफ में। जी हां, दूसरी टीम राजस्थान रॉयल बन गई है। जैसे ही दिल्ली कैपिटल्स ने लखनऊ को हराया, वैसे ही राजस्थान रॉयल पहुंच चुकी है प्लेऑफ में। यहां पर पॉइंट तालिका पर नजर डालें तो हमें पता चल जाता है कि यहां से केकेआर और आरआर पहुंच चुकी हैं प्लेऑफ में, तो इनके बारे में ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं बाकी के दो स्थानों पर कौन सी तीन टीमें फाइट कर रही हैं। तो यहां जो बाकी के दो स्थान हैं, इसके लिए तीन तीन टीमों को फाइट बची हुई है, हैदराबाद, चेन्नई और आरसीबी। पॉइंट तालिका में आपको भले ही पांचवें नंबर पर डीसी दिख रही हो, लेकिन वो प्लेऑफ में नहीं जा सकती। क्यों नहीं जा सकती, उसको हम समझ लेते हैं। पहले बात कर लेते हैं चेन्नई सुपर किंग की। चेन्नई सुपर किंग अभी तीसरे नंबर पर है, इसके 13 मैचों में कुल मिलाकर के 14 अंक हुए हैं। इसका एकमात्र जो मैच है वो है आरसीबी के साथ और वो एक तरह का नॉकआउट मैच होगा, इसको जीतने वाला प्लेऑफ में पहुंच जाएगा। लेकिन यहां पर चेन्नई सुपर किंग एडवांटेज के साथ है क्योंकि उसका नेट रन रेट बहुत अच्छा है, प्लस में है, प्लस 0.528, ये बहुत अच्छा है, आरसीबी और हैदराबाद दोनों से अच्छा है। तो यहां पर चौथे नंबर पर जो बैठी टीम है वो है हैदराबाद, उसके भी चेन्नई के बराबर ही 14 अंक हैं, लेकिन वो अब यहां पर दूसरे तरीके से एडवांटेज में है क्योंकि चेन्नई का मात्र एक मैच बचा है और हैदराबाद के दो मैच बचे हैं। अगर हैदराबाद इनमें से कोई भी एक मैच जीत जाती है तो हैदराबाद आसानी से प्लेऑफ में पहुंच जाएगी क्योंकि 16 अंक या तो चेन्नई प्राप्त कर सकती है या हैदराबाद। तो इस तरह से हैदराबाद दो में से एक मैच जीत करके आराम से पहुंच जाएगी प्लेऑफ में। उसका नेट रन रेट भी अच्छा है, प्लस में है, 0.406 है। तो यहां पर ये दोनों टीमें बड़ी दावेदार है प्लेऑफ में जाने की। लेकिन डीसी जो पांचवें नंबर पर है वो किसी भी तरह नहीं पहुंच सकती प्लेऑफ में क्योंकि उसके सारे मैच हो चुके हैं और 14 मैचों में उसके सिर्फ 14 अंक हैं, लेकिन उसका नेट रन रेट काफी ज्यादा खराब है, माइनस में है। और ऐसा हो ही नहीं सकता कि जिनका नेट रन रेट अभी प्लस में है जैसे चेन्नई है, हैदराबाद है या आरसीबी है, वो अपने एक या दो मैचों में इतना खराब खेल जाए कि उनका नेट रन रेट डीसी से कम हो जाए। अब वो अलग बात है कि जमीन फट जाए, आसमान कोई निकल जाए तो अलग बात है, लेकिन फिलहाल नहीं होने वाला ऐसा, यानी डीसी भी एलिमिनेट हो चुकी है, बाहर हो चुकी है। बात करें हम छठवें नंबर पर बैठी आरसीबी की, तो आरसीबी के पास अब गोल्डन चांस आ गया है। आरसीबी को सबसे बड़ा खतरा लखनऊ से था क्योंकि वो 16 अंक तक पहुंच सकती थी, लेकिन इस हार के साथ लखनऊ अब सिर्फ 14 अंक तक पहुंच पाएगी और वो आरसीबी को टक्कर दे ही नहीं सकती। अभी भले ही वो सातवें नंबर पर बैठी हो, लेकिन उसका नेट रन रेट माइनस में है और वो आरसीबी को टक्कर देने की स्थिति में नहीं बची है। आरसीबी को करना क्या है, आरसीबी को सिर्फ एक काम करना है और वो आसानी से प्लेऑफ में पहुंच जाएगी, और वो है 18 मई को होने वाला चेन्नई सुपर किंग के खिलाफ मैच। उसमें उसको कम से कम 18 रन से जीत हासिल करनी है या बाद में चेज करते हुए 18.1 ओवर में उसको चेज कर लेना है। यानी अब सब कुछ पूरा का पूरा दारोमदार सिर्फ और सिर्फ आरसीबी की टीम पर है। इसमें अब किस्मत कनेक्शन खत्म हो चुका है, जितना किस्मत कनेक्शन होना था वो आरसीबी को मिल चुका है। अब सिर्फ आरसीबी की खुद की मेहनत बची है। 18 तारीख को 18 रन से चेन्नई सुपर किंग पर जीत प्राप्त करिए और प्लेऑफ का टिकट प्राप्त करिए। कुल मिलाकर के यहां पर हैदराबाद स्पष्ट तौर पर तीसरी टीम बनने जा रही है प्लेऑफ में जाने वाली, और चौथी टीम सिर्फ नॉकआउट जो मैच जैसा लग रहा है 18 मई का होने वाला चेन्नई सुपर किंग और आरसीबी के बीच, उसके निर्णय पर सब कुछ डिपेंड करता है। अब कुल मिलाकर के आप लोगों का क्या विचार है, आपका क्या अनुमान है, अपनी राय कमेंट करके जरूर दें। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।